बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिलकुम दोस्तों आज हम बायोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से चंद मज़ीद सवाल जो हैं वो डिस्कस करेंगे तो मैं डिस्कस करने से पहले गुज़ारिश करूँगा दोस्तों से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो चलते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ द एज ऑफ अ ट्विग कैन बी डिटर्मेंड बाई स्केल स्कार्स जो ट्विग की एज होती है वो बड स्केल स्कॉर्स के जरिए डिटर्मिन की जाती है पैलिसड मिजोफिल एंड स्पॉन्जी मिजोफिल टिश्यू ऑफ लीफ आर मेड ऑफ पैरन कैम सेल्स पैलिसड या स्पॉन्जी ये दोनों जो हमारे पास टिश्यू हैं ये पेरन कैम सेल्स से बने होते हैं द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज़ टू प्रोटेक्ट द रूट एपिकल मेरीस्टेम्प फ्राम डैमेज जो प्राइमरी फंक्शन होता है रूट कैप का वो एपिकल मेरी स्टेम को डैमेज हो जाने से बचाने के लिए होता है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द सेमिनीफीरस टिब्यूज स्पर्म्स जो हैं वो सेमिनीफीरस टिब्यूल के अंदर बनते हैं टेस्टोस्टिर द मेल सेक्स हार्मोन्स, इज़ सेंथिस इन द इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टिर जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर जो है वो बनता है हाउ मैनी मैच्योर एग्स आर टिपिकली प्रोड्यूस बाई ईच ओवरी ऑफ नॉन प्रेगनेंट वोमेन ईच ईयर तो हमारे पास इसकी तादाद है छ यानी हर ओवरी में हमारे पास हर साल तकरीबन जो है जो हमारे पास मेच्योर एग्स बनते हैं एक नॉन प्रेग्नेंट वोमेन में तो हमारे पास वो छः हैं वैन अ मेच्योर एग लीव द ओवरी इट इंटर द ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो ओविडक्ट के अंदर वकू पजीर होता है यानी ओबिडेक्ट वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन का अमल वकू पजीर होता है द फीमेल इक्वलेंट ऑफ द ग्लैंड ऑफ द पीनस इज द क्लाइटोरिस स्पर्मेटोजेनिस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टिर हारमून ड्यूरिंग oogenesis each diploid cell produces one functional egg and three polar bodies the female hormone that causes deposition of fat in the breast and hips as well as growth of pubic hairs during pu puberty is estrogen estrogen wo hormone hai, jo ke sabab banta hai deposition of fat ka in the breast and hips as well as growth of pubic hairs the female hormone that causes an increase in blood vessels in the uterus and development of milk glands in the breast is progesterone मैंस्ट्रेशन इज ट्रिगर्ड बाई एन एब्रेप्टिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टीर जैसे ही प्रोजेस्टिंग का लेवल डिक्लाइन होता है मैंट्रेशन जो है वो ट्रिगर्ड हो जाती है बढ़ जाती है मैंट्रेशन का अमल शुरू हो जाता है द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एनजाइम्स द फंक्शन ऑफ बिंड प्रोटीन इन द एक्रोसोमल प्रोसेस इज टू इन दैट एग इज बिय फर्टिलाइज बाई स्पर्म ऑफ द सेम स्पीशीज इस प्रोटीन का क्या काम होता है इस प्रोटीन का, का काम एग की फर्टिलाइजेशन को स्पर्म के साथ मुमकिन बनाते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज दस्ट ब्लॉक टू पोलोस्पर्मी डिवेलप्स इन रेस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट्स इन द्लाजमा मिमब्रेन यानी सबसे पहले जो हमारे पास ब्लॉकेज होती है पोलिसमी के लिए यानि एक स्पम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़ कर सकते हैं बाकी स्पम को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसे फास्ट ब्लॉक जो है वो सोडियम गेट्स जो होते हैं एग की सोडियम एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम गेट्स की ओपनिंग की वजह से होती है द स्लो ब्लॉक टू पोली स्पर्मी डिवेल्प्स इन रेस्पॉस टू द फॉर्मेशन ऑफ़ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फास्ट ब्लॉक के बाद क्योंकि वो फास्ट ब्लॉक इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो उसके बाद स्लो ब्लॉक जो है वो बनता है जो कि हमारे पास फार्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के बनने की वजह से होता है कि मज़ीज़ जो हैं वो एग के साथ फर्टिलाइज ना हो सकें क्लीवेज इज़ यूनिक फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीज़न इन दैट देर इज़ नो ग्रोथ ऑफ़ सेल्स क्लीवेज जो अमल है जिसमें सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली लेकिन इसमें ग्रोथ ऑफ़ सेल्स वकू पजीर नहीं होती एसेल्फ फॉर्म फ्राम अ क्लीविएट इज कॉल्ड अ ब्लास्टोमेयर दालो बॉल ऑफ सेल फॉर्म फ्राम क्लीविएट इज कॉल्ड द ब्लास्टूला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डिवेल्प फर्स्ट हमारे पास चार ऑप्शन हैं लीवर हार्ट नोटोकॉर्ड किडनी इनमें से सबसे पहला जो है हमारे पास जो आर्गन डिवेल्प होता है वो है हमारे पास नोटोकॉर्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट वट्सट्रक्चर्स सर्व एज लंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक एंड किडनी फॉर द डिवेल्पिंग एम्बरी वो हमारे पास साख्त हैं प्लिसेंटा प्लेसेंटा जो है सर्व एज ए लंग डाइजेस्टिव ट्रैक एंड किडनी फॉर द डिवेल्पिंग एम्बरी थैंक यू वेरी मच